आज आप लोगों के लिए मैं एक डिफरेंट टाइप की पेस्ट्री लेके आया हूँ। जैसे ये देख रहे हो, मैंगो फ्लेवर में मैंगो कच्चा मैंगो वाइट टॉफी है। ये देखिए, ये टॉफी है। तो इससे पेस्ट्री बनाएंगे, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी बनती है, और आप लोगों को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मैंने यहाँ पे जो हमारे पास टॉफी है कुछ निकाल के रखी है यहाँ पे, तो इसको सबसे पहले मिक्सी के जार में ग्राइंड करने के लिए डालते हैं। कैसी बनती है, क्या बनती है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, ये हो चुका है ग्राइंड, सारी टॉफियां बिल्कुल पाउडर बन चुकी है। तो चलिए आगे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ देखने के लिए पूरी वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका कौन क्या क्वेश्चन है वो, और आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी स्पॉन्ज की इस तरह की एक लेयर। ये हमने ले ली स्पॉन्ज की लेयर। अब इसको हम शुगर सिरप कर लेंगे बढ़िया से, शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लीजिए। अगर थोड़ा सा स्पॉन्ज हार्ड है तो तब, अगर सॉफ्ट है तो तब कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे मैंगो क्रश। ये देख सकते, ये है मैंगो क्रश। अब ये डालेंगे जो हमारा आप अलग से भी क्रीम में इसको मिक्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। किस तरीके से बनाऊंगा क्या, ये पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा। तो इसको लेयरिंग कर लेने के बाद सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे गार्निश। गार्निश जरूरी है। तो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले व्हाइट चॉकलेट ले लेंगे। ये देखिए, व्हाइट चॉकलेट ले ली। इसके ऊपर डालने वाले हैं हम ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब फटाफट से कट कर लीजिए, क्योंकि ठंडा है, थोड़ी जल्दी कट करना पड़ेगा। और इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए इसको, देख सकते हैं फोल्ड हो चुका है। अब इसकी आइसिंग कर लेंगे हम सिर्फ व्हाइट क्रीम से ही। व्हाइट क्रीम से आइसिंग करने के बाद इसके ऊपर और भी कुछ डालेंगे, वो क्या डालते हैं आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं। और इसका प्राइस भी बताऊंगा मैं आपको कितने की सेल होती है। और साइड में इसके कॉम लगा देते हैं इस तरीके से नाइफ से ही। इसमें से निकालेंगे हम 5 पीस।
ये स्पॉन्ज है, इसका बारीक चूरा कर लेंगे हम। देखिए, और इसमें डालने वाले हैं ग्रीन कलर। इस तरीके से, आपके पास रेड वेलवेट वाला नहीं होता ना, कोई भी कलर आप इस तरीके से, जैसे आपको क्रिकेट थीम में केक बनाना है तो वो भी बना सकते हो आप इस तरीके से, क्योंकि कोकोनट की जगह आप इसको डाल सकते हो, आपका पूरा ये भी ग्रीन थीम में बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं हम। ये हो चुका है अब। सिंपली इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से। गार्निश ये कैसी बनी है देख सकते हैं आप, गार्निश भी हमारी सेट हो चुकी थी। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे गार्निश। देख सकते हैं टेस्टी आपके सामने रेडी है, और आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी आप एक बार आप भी ट्राई करना, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, पेज पे नए फॉलो कर देना। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।